भैया नहीं प्रज्ञा, गलत फहमी हो रही है, राज ऐसा नहीं कर सकते। प्रज्ञा प्रज्ञा, तुम तो उस शख्स को पकड़ने आई थी ना यहाँ पर, जो तनु को 10 लाख रुपए दे रहा था, और वह भी, तो वो शख्स राज कैसे हो सकते हैं? हाँ, अगर ये वो इंसान नहीं है तो यहाँ क्या कर रहे हैं? अभी अभी तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्या किया है राज ने? इन्होंने जो किया है ना, ये आप इनसे ही पूछिए, लेकिन क्योंकि ये मुझसे बड़े हैं ना, इसलिए इन्हें क्या सजा देनी है ये आप ही डिसाइड करेंगे। ये जो इल्जाम लगा रहे हैं ना तुम पर, तुम इसे झूठा साबित कर दो, प्लीज कुछ बोलो, प्लीज बोलो। ये सच कह रहा है, सच कह रहा है। मैंने ही आलिया के साथ में मिलकर के अभी को बर्बाद करने की कोशिश की। अरे सगे भाई से ज्यादा तेरी इज्जत करता था, और तूने तूने उसी को बर्बाद करने की। हाँ, मैंने किया उसको बर्बाद करने की कोशिश की मैंने। जिसको जो बोलना है बुरा बोल लो, मानना है मान लो, लेकिन मुझे रत्ती भर भी पछतावा नहीं अपने किए का। पर क्यों किया तूने ऐसा? इसने मेरे साथ वो किया जो एक इंसान अपने दुश्मन के साथ में करता है। ये है मुझे इस बात की कम अगर है तो सिर्फ इस बात का कि मैं इसे पूरी तरीके से बर्बाद नहीं कर पाया। आज अगर ये सिचुएशन बनी है ना तो सिर्फ तुम्हारी वजह से, इसलिए तुम्हारा भाई नहीं। बड़ी आसानी से आपने इस पर इल्जाम लगा दिया ना कि ये अपने भाई का सच नहीं देख पाए। बहुत भरोसा करते हैं ना आप अपनी बीवी पर, आप भी तो मिताली भाभी का सच नहीं देख पा रहे। तुम कहना क्या चाहती हो? जिन सिग्नेचर्स की वजह से आप जेल गए थे वो झूठ बोलकर मिताली भाभी ने करवाए थे आपसे। धोखा दिया तूने, पर मैंने नकली साइन ली, तुमने धोखा दिया, धोखा दिया मुझे। तुम राज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो।